हेलो फ्रेंड्स, पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स टिक्की। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें एक कप ओट्स डालकर लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर सेकना है। लगातार मिलाते हुए सेकना है ताकि ओट्स जले नहीं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और टेस्टी भी खाना है तो ओट्स टिक्की बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम बंद करनी है और इन्हें ठंडा करना है। मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया है। अब इसमें तैयार ओट्स, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। मेरे पास धनिया इतना ही था, आप 1/4 कप तक डाल सकते हैं। अब इसी में 1 कप कटी हुई पालक और 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालकर पीसना है। देखिए, मैंने इस तरह का बारीक पीस लिया है। अब इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना है। मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। मिश्रण थोड़ा ड्राई है तो इस तरह का मिश्रण तैयार करना है कि आराम से टिक्की बना सके। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून पानी डाला है, पर धनिया और पालक की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर पानी भी कम या ज़्यादा हो सकता है, तो पानी एक साथ नहीं डालना है। मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इस पर ढक्कन लगाकर लगभग 10 से 12 मिनट रखना है। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हाथ गीले करके थोड़ा मिश्रण लेकर टिक्की का शेप देना है। आप अपनी पसंद से भी शेप दे सकते हैं। मैंने स्क्वायर शेप दिया है, आप राउंड शेप भी बना सकते हैं। अब इस पर मैंने थोड़ी सफ़ेद तिल डाले हैं। अब इसे पलटकर दूसरी तरफ भी तिल डालकर हाथ से थोड़ा थपथपाने पर तिल टिक्की से चिपक जाएंगे। इसी तरह से सारी टिक्की तैयार करनी है। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 1 टीस्पून घी डाला है। घी थोड़ा कम ही है तो पूरे पैन में फैला लेना है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें तैयार टिक्की डालनी है। लगभग 2 मिनट होने पर ही पलटना है। मैंने घी लिया है, आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें पलटना है। लगभग 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर उलट पलट करते हुए सुनहरा होने तक सेकना है। नॉनस्टिक पैन है तो ज़्यादा घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक छोटी चम्मच से एक एक दो दो बूंद घी सभी टिक्कियों पर डाला है। अगर नॉनस्टिक पैन ना हो तो नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं। टिक्की बनाने से पहले एक पूरी या पराठा तवे पर घी या तेल लगाकर बना लेने से टिक्कियाँ आराम से बन जाती है। ओट्स टिक्की तैयार है, आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।